नमस्कार, निर्माणा क्लासेज अध्याय में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। आइए, हमारे देश में इंडियन एयरफोर्स से जुड़ा एक खास प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, जो हमारे एग्जाम के दृष्टि से, हमारे देश में हमारी सेनाओं को मजबूत करने की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। इस पर चर्चा इसलिए किया जा रहा है, यह हमारे देश में बनाया जा रहा है, यह हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर के हाथों से बनाया जा रहा है। इसका नाम है C-295 एयरक्राफ्ट। C-295 एग्जाम में ये पूछेगा, C-295 एयरक्राफ्ट है, यह एक लड़ाकू विमान है, यह एक ट्रांसपोर्ट विमान है, या एक नौसेना से जुड़ा विमान है। तो क्या है? एक ट्रांसपोर्ट विमान है, यह एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो हमेशा लगभग 10 टन वजन ले आने ले जाने में सक्षम है। इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसका नाम है C-295 एयरक्राफ्ट। यह गुजरात के बड़ोदरा में, ठीक है, इसका शुभारंभ कहाँ हुआ? गुजरात के बड़ोदरा में। यह इसका शुभारंभ गुजरात के बड़ोदरा में टाटा प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाटा प्लस एयरबस कंपनी। देखिए, टाटा और एयरबस, यह टाटा इंडियन कंपनी है, क्या INDIAN इंडियन कंपनी, या एक यूरोपियन कंपनी PN कंपनी है, ठीक है। इनकी मदद से, यह टाटा और एयरबस की मदद से बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? गुजरात के बड़ोदरा में बनाया जा रहा है। यह कंपनी यूरोपियन कंपनी एयरबस, या टाटा कंपनी इंडियन कंपनी, आपको पता है हमारे भारत की बहुत प्रतिष्ठित कंपनी है। यह इतना खास इसलिए है, यह पहली बार, ठीक है, यह पहली बार भारतीय प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों बोला जा रहा है? इसके पहले हमारे देश में डिफेंस से संबंधित अगर कोई काम होता तो DRDO ही करता था, लेकिन यह पहली बार किसके द्वारा बनाया जा रहा है? टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा बनाया जा रहा है, टाटा के द्वारा बनाया जा रहा है। यह भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यह 40 अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा। यह भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यह 40 जहाज बनाया जाएगा। अगर एग्जाम में पूछे पहली खेप में या पहली बार में कितने जहाज बनाए जाएंगे बड़ोदरा में, तो 40 जहाज बनाए जाएंगे, ठीक है। यह अत्याधुनिक है, यह हमेशा अत्याधुनिक का कहने का मतलब है मॉडर्नाइजेशन, मतलब ये होता है कि यह कम समय में, कम दूरी में टेक ऑफ लैंड करे, जल्दी माल ढोने में सहायता करे, और ज़्यादा वजन ले जाने में सहायता करे। इसीलिए इसे अत्याधुनिक बनाया जा रहा है, कम वजन हो जहाज का, इसमें यही सब देखा जाता है। इस प्रोजेक्ट को 22,000 करोड़ रुपए में शुरू किया गया, 22,000 करोड़ रुपए में। देखिए, एक अपने आप में बड़ी ही उपलब्धि है, क्योंकि इसमें 22,000 करोड़ से शुरू किया जा रहा है। एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह एग्जाम में पूछ सकता है कि कितने हजार करोड़ से स्टार्ट हुआ, 22,000, 20,000, 10,000, तो आपको ध्यान देना है 22,000 करोड़ से। यह 10 टन वजन उड़ान भरने में सक्षम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कितने टन वजन उड़ान भरने में सक्षम है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि पहली बार कंपनी बना रही, प्राइवेट कंपनी, तो इसलिए इस पर लगभग हर एक पॉइंट पे, हर एक और लाइनर पॉइंट पे क्वेश्चन बनने की संभावना प्रबल है, ठीक है। यह 10 टन वजन ले जाने आने में सक्षम है, मतलब 10 टन वजन एक बार में, 10 टन वजन, ठीक है। यह भारत में, ठीक है, यह एयरक्राफ्ट भारत में पहली बार बनाया जा रहा है, लेकिन यह भारत में इसका स्थान बढ़ावा है। अगर दुनिया में गिनती किया जाए कि भारत चौथा देश हो गया, भारत कितने नंबर का देश हो गया, तो इसका नंबर आएगा बढ़ावा स्थान पे है, ठीक है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।